मैं हूँ दुनिया का सबसे बड़ा एक्सप्लोरर, सबसे बड़ा एक्सप्लोरर। पांबो और रिक्की है दोस्ती इनकी पक्की है न्यारी, सबकी मदद है करते डरते नहीं दोस्ती प्यारी। मुश्किल में जब भी कोई रहता या कोई डर जाता, पांबोरी के साथ हमेशा उसका देता। क्लाउजियो के डर से भी ये है जंगल को बचाते। दोनों के क्या कहने, दोनों की दोस्ती पक्की है प्यारी। बबूशा बबूशा, हर मुश्किल पे दोनों ही बढ़ जाते हैं भारी। क्लाउजी से जब भी पांबो लड़ता है पूरा जंगल हो जाता है हैप्पी हैप्पी। पांबो रिक्की दोनों की जोड़ी नंबर एक है। आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा। हाँ? पांबो कहाँ है, कहाँ गया होगा वो? पांबो, हाँ वो वहाँ पे क्या कर रहा है? मैं जाके देखता हूँ। ये मोटा अजीब सी हरकतें क्यों कर रहा है? रिक्की कैसा है तू? मुझे मत मारो, मत मारो। रिक्की घबरा मत, ओ मैं हूँ यार, मैं पैम्बो। ओ घबरा मत रिक्की, मैं हूँ पैम्बो यार, पैम्बो। पैम्बो यार, ये बस एक मास्क है और मैंने इसे थोड़ा कूल बना दिया, तू तो इससे डर ही गया। मेरे साथ ऐसा मजाक दोबारा क्या आना तो मार मार के खमन बना दूंगा। ये कोई टाइम पास मास्क नहीं है, और याद है ना तू इससे डर गया था है? ठीक है, अभी टाइम पास कैसे हो और क्या करना है? हाँ, और मैं टीवी देख सकता हूँ और पोटैटो चिप्स खा सकता हूँ और मैं समर सॉल्ट भी टर्न कर सकता हूँ और मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हाँ, और मैं जंगल को एक्सप्लोर कर सकता हूँ बिल्कुल उस टीवी। तू बोले तो मैं शेल्टर भी बना सकता हूँ। ठीक है, जाके शेक बनाओ। ठीक है। पांबो तुम इसे शेक कहते हो? ओए हंसना बंद कर। ओए तो ये थोड़ा गंदा जरूर है लेकिन ये बहुत ड्यूरेबल भी है। हाँ ड्यूरेबल, हाँ बिल्कुल, ये 8 डिग्री के अर्थक्वेक को भी झेल सकता है। हाँ ये तो टूट गया। हंसना बंद कर रखे। ठीक है, मैं सोने जा रहा हूँ। आजा आजा मैं हूँ उड़न खटोला तेरा। मैं यकीनन एक बहुत अच्छा एक्सप्लोरर हूँ, ग्रेट एक्सप्लोरर। और मुझे कितने दिन हो गए जंगल में, लेकिन टीवी के एक्सप्लोरर की तरह मैंने कोई भी नई स्किल नहीं सीखी। मैं उसकी तरह बड़ा एक्सप्लोरर कब बनूंगा? कब बनूंगा मैं ग्रेट एक्सप्लोरर? यहाँ तो कोई मेरी मदद भी नहीं कर रहा, ना जाने अब मैं एक्सप्लोरर बन भी पाऊंगा या नहीं। पांबो पांबो, तुम्हें अपने एडवेंचर्स एक्सपीरियंस को दिल से महसूस करना होगा।
फॉरेस्ट का फॉर्चून अनलिमिटेड है, पर तुम जो टीवी से सीख सकते हो वो लिमिटेड है। शायद वो नेचर का सीक्रेट जानने के लिए काफी नहीं है पाम्बू। तो फिर मैं क्या करूं? मुझे कुछ बताओ, मैं क्या करूं? मुझे बताओ, कुछ तो बताओ। तुम हमेशा कुछ लेकर ही पा सकते हो। अपने आसपास के लोगों को मदद करने की शुरुआत करो। एक ना एक दिन तुम यकीनन ही एक ग्रेट एक्सप्लोरर बन जाओगे, समझे? मिस्टर एक्सप्लोरर, अपने आसपास के लोगों की मदद करूं? हाँ, क्या ये बस एक सपना था? क्या तुम लोग मुझे मछली पकड़ना सिखा सकते हो? ओए बड़ो, तेरे को मछली पकड़ना सीखना है क्या? हाँ हाँ। अच्छा, तूने रूल्स याद कर लिए? बोले तो भेड़ो, मछली को जाल में फंसाने के लिए पहले उनको जानो, उनके कैरेक्टरिस्टिक जानो, वो कैसा कैसा पानी में उड़ी मारती है वो देखो। जाओ। ठीक है, मैं यही करूंगा। अबे झंडो, चुपचाप जा, उनको पता नहीं चलना चाहिए। मैं कोशिश करता हूँ। मैंने मछली पकड़ ली। क्या बोलूं मैं? और रुक जा। चलो बेड़ो लाग, ये तो सटिया गया, निकलो इधर से। और रुक जा मछली, मैं तुझे पकड़ के रहूंगा। वहां कोई गड्ढा खोद रहा है, मुझे भी सीखना चाहिए। मैं भी गड्ढा खोदना सीखूंगा। फाइनली मैंने सारा काम खत्म कर दिया। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कुछ अजीब हो रहा है? ओ तू कितना कमाल है यार, बहुत कमाल है। तुम्हें क्या चाहिए? हाँ यार, मुझे बस गड्ढा खोदना। लेकिन तुम्हें इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम क्यों सीखना चाहते? माय डियर, प्लीज मेरे को सिखा दे यार, प्लीज, मैं तुझसे कह रहा हूँ, सिखा दे सिखा दे सिखा दे। मुझे जाने दो, मुझे चक्कर आ रहा है। ओके, तुम्हारी वजह से मुझे जोर जोर से चक्कर आने लगे हैं। मुझे जाने दो, ठीक है? ओके, आप क्योंकि मैं एक एक्सप्लोरर हूँ, मुझे सब कुछ आना चाहिए, और फिर मैं बड़ा काइंड हार्टेड भी तो हूँ, है ना? ठीक है, मैं तुम्हें सिखाऊंगा, तुम मेरे साथ आओ, चलो। अरे वाह, और कमाल हो गया, और चल चलते हैं। ध्यान से देखो, ओके? गड्ढा खोदने के लिए तुम्हें सबसे पहले अपने सामने वाले पंजों का इस्तेमाल करना होता है। अच्छा, पहले पंजे? सबसे पहले एक नर्म जमीन ढूंढनी पड़ती है, ये देखो। बस हो गया, कितना आसान था। ये तो बड़ा आसान है। चलो अब मेरी बारी, मैं ट्राई करता हूँ। हाँ ये तो बड़ा छोटा है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। अब मैं इसमें जंप करता हूँ। ये कितना मजाकिया है। मैं फिर कोशिश करूंगा। मैं थक गया हूँ, शायद मुझसे नहीं होगा। ये क्या हो रहा है? तुम क्या कर रहे हो? तुमने मेरा घर तोड़ दिया, मैं तुम्हें कुछ नहीं सिखाऊंगा, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। पाम्बो तू कितना बेवकूफ है, तू कुछ भी ध्यान से नहीं कर सकता, कुछ भी ठीक से नहीं कर सकता तू। पाम्बो मोटावा, जल्दी आओ, खाने का टाइम हो गया, डिनर का टाइम हो गया, जल्दी करो। पाम्बो जल्दी करो, खाने का टाइम हो गया है भेड़ो। क्या हुआ मोटा भाई, तुम्हारे चेहरे पे 12 क्यों बजे? रिक्की, मैंने फिश पकड़ने की कोशिश की और गड्ढा खोदने की, लेकिन सब बेकार हो गया यार, मैं कुछ सीख नहीं पाया। इसमें कौन सी बड़ी बात है, चलो खाना खाते हैं भेड़ो।
जब देखो लड़की देखो मेरा इस मोटे को तो सदमा लग गया है। अभी क्या करूं? कुछ तो करना पड़ेगा। सोचता हूँ, क्या सोचू? रुक जा। अरे के, हम यहाँ पर क्या करने आए हैं? मछली पकड़ने। फिश पकड़ने? लेकिन लेकिन मैंने अब तक कुछ सीखा नहीं है, फिश कैसे पकड़ेंगे हम हैं? ये पांडा का तरीका है, एक लकड़ी लेके उससे टोचने का मछली को, फिर मछली हाथ में आ जाएगी और उसको फ्राई करके खा जाने का। अपना तरीका? रिकी देखो मैंने फिश पकड़ ली। रिकी देख कमाल हो गया, मैंने फिश पकड़ ली। रिकी देख मैंने एक फिश पकड़ ली। मैंने बोला था ना ये कमाल है। और देखो मैं फिश पकड़ सकता हूँ। रिकी ये मैं फिश। अभी बहुत टाइम हो गया, घर पे जाके सुसु करके सो जाते हैं। मैं अभी सो नहीं सकता, मैंने अभी गड्ढा खोदना नहीं सीखा भाई। जंगल में हर जानवर का जीने का तरीका अलग होता है। तुम एक पांडा हो, तुम पत्थर या पेड़ पे भी जिंदा रह सकते हो, सो सकते पेड़ हो। पर, पेड़ पर। लेकिन अगर क्लाउजियो आ गया तो मैं क्या करूँगा? क्या तुम्हें याद नहीं है तुमने क्लाउजियो को कितना मारा था, कितना धोया था? मैं क्लाउजियो को मार दूं? हैं? अब रिकी तू सही कह रहा है, दूसरों का तरीका सीखने की कोई जरूरत नहीं, मैं फॉरेस्ट को अपने हिसाब से एक्सप्लोर करूंगा। हाँ, मैं हूँ द ग्रेट एक्सप्लोरर पैम्बो, द ग्रेट एक्सप्लोरर पैम्बो। Bye-bye.